Hey friends, welcome to Healthy Cooking, Happy Living. If you really like today's video, please subscribe the channel, hit the notification bell for further updates of new videos, like, comment and share. तो आज का रेसिपी है टेंगरी जूस और मटन लेग पाया सूप. इसके लिए मैंने चार मटन बोन ले लिया और वेजिटेबल्स लिया, घी लिया, खड़े मसाले, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट लिया और व्हाइट ऑयल लिया. तो ग्रीन बीन लिया, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, कैरेट, पपाया, ऑनियन, गार्लिक और घी लिया. मैंने चार पीस मटन लेग पाया लिया और उसके साथ मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, नींबू लिया और धनिया पत्ता लिया. अभी प्रेशर कुकर पे मैं डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून वाइट ऑयल और इस पे तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची और ऑनियन, गार्लिक भी मैं डाल दूंगी. ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और ये खारे मसाले इसीलिए डालते हैं कि मटन बोन का जो स्मेल है वो चला जाए. तो थोड़ा सा ऑनियन, गार्लिक भी डाल दिया. अभी मैंने ग्रीन पपाया, ग्रीन बीन और कैरेट भी डाल दिया. इसको लंबा लंबा करके काटिएगा तो फिर बहुत अच्छा लगेगा खाने पे. और फिर मैंने चार पीस मटन लेग पाया भी डाल दिया, जिसको टेंगरी बोलते हैं बंगाली में. तो बंगाली में इसको टेंगरी जूस बोलते हैं. सारे इंग्रेडिएंट्स का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी. आपका मन करे तो इस पे ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं. इस पे ज़्यादा स्पाइस नहीं पड़ते हैं. ये बहुत हेल्दी रेसिपी होते हैं. मटन लेग पाया और टेंगरी डाल के फिर मैं टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट डाल दिया और 5 to 10 मिनट्स अच्छा करके लो हीट पे भून के रखना है. जैसे बहुत अच्छा करके स्टार फ्राई करना है. तो फिर अच्छा करके भून लिया तो फिर मैं डाल दूंगी इस पे गरम पानी, 3 बड़े ग्लास. तो ये एकदम क्लियर सूप होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं. तो फिर मैंने 3 ग्लास गरम पानी डाल दिया और फिर मैं 20 व्हिसल डाल दूंगी प्रेशर कुकर पे. आफ्टर 20 व्हिसल मैं घी डाल दूंगी. घी आपका जितना मन चाहे डाल सकते हो. इस पे घी भी बहुत हेल्दी होते हैं. अगर आप कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं खा रहे हो तो इधर तो प्रोटीन है और वेजिटेबल्स है, तो इस पे घी डालेंगे तो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा. इसमें कुछ भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है. मैंने आलू भी नहीं डाला. अभी कॉर्नफ्लावर का मैं घोल बना लूँगी और ग्रीन चिली, नींबू, धनिया पत्ता ये सब पूरा ऑप्शनल है. घोल बना के मैं डाल दूँगी. अगर आप वीक फील कर रहे हो, बॉडी पे स्ट्रेंथ नहीं है, आप छोटे, आपके घर पे छोटा बच्चा है, बीमार आदमी है, तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है. अभी घोल, कॉर्नफ्लावर का घोल डाल के मैंने 2 मिनट बॉयल करके बर्तन पे निकाल लिया और फिर मैं डाल रही हूँ धनिया का पत्ता और हाफ नींबू का जूस. ये टोटली ऑप्शनल है. कॉर्नफ्लावर तक ये मैंडेटरी है, कॉर्नफ्लावर डालने तक. और ये धनिया का पत्ता और नींबू का जूस मुझे पर्सनली अच्छा लगता है डाल के खाना, तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये विंटर का हेल्दी टेस्टी रेसिपी. याम, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा प्लीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. बाय.